व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। तो आज के वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं दोस्तों, 10,000 के रेंज में अगर आपको कोई फोन चाहिए और आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सा फोन ले दोस्तों। मार्केट में तो बहुत सारे हैं, तो आज के वीडियो में हम टॉप 5 फोन बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। और मेरे हिसाब से बेस्ट वही होता है दोस्तों जो आपकी नीड को फुलफिल कर सके, मतलब आप कैमरे के लिए फोन खरीद रहे हैं, बैटरी के लिए खरीद रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खरीद रहे हैं या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, आपको हर कैटेगरी में बेस्ट फोन बताएंगे। तो टॉप 5 फोन लेके आया हूं दोस्तों जो हर कैटेगरी में बेस्ट हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेड कलर का बटन को दबा दीजिए दोस्तों दिल से, ताकि इस तरह का अमेजिंग वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहला फोन दोस्तों, 5वें नंबर पे जो फोन आता है ये दोस्तों ऑलराउंडर फोन बोल सकते हैं, और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए भी ये बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो फोन है जनरली उन लोगों के लिए जो लाइट गेमिंग करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, कैमरा वगैरह उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हल्का फुल्का करते, बस शौकिया दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक में फोटो अपलोड करने के लिए खरीदते हैं दोस्तों। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों Redmi 9 Prime, ये जो फ़ोन है दोस्तों 10,000 में आता है, आपको 9,999 रुपये में मिलता है। 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी से शुरू होता है। बात करते हैं इस फ़ोन में क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले की। 6.53 इंच का दोस्तों एक IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन इस बजट कैटेगरी में दोस्तों ये 5 फोन बताऊंगा उसमें से ये जो फोन है इसी में दोस्तों फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में ये नंबर 1 है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ओवरऑल व्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। Helio G80 का दोस्तों प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है। 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ शुरू होता है। क्वाड कैमरा पे आता है 13-8-5-2 का दोस्तों, और यहां पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी, USB Type-C और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों 10,000 के रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा जो ऑलराउंडर यूजर्स है दोस्तों उनके लिए बेस्ट होगा। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर दोस्तों 1,90,000 के करीब आता है, तो काफी जबरदस्त है। तो ये फोन आप ले सकते हैं, लाइट गेमिंग वगैरह भी हो जाएगा, फोटोज वगैरह भी खींच लेंगे, और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट फोन ये है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर उन लोगों के लिए फोन है कि अगर आप कैमरे के लिए सिर्फ फोन खरीद रहे, मतलब आपको बेस्ट कैमरा चाहिए दोस्तों रियर और फ्रंट दोनों ही, तो आप ये फोन ले सकते हैं, और लंबा बैटरी चले तो ये फोन ले सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं मोटो G10 की। इसमें दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये आता है। 6.5 इंच का दोस्तों IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, तो क्वाड कैमरा आता है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इसमें देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 और 2 का दोस्तों इसमें कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 6000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों 10,000 के रेंज में अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए तो इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट कैमरा इसी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों दूसरे फोन है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें गेमिंग वगैरह लाइट कर सकते हैं, क्योंकि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 1,40,000 के करीब आता है। तो दोस्तों प्रोसेसर तो ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा हेवी गेम आप इसमें नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा के लिए और आप वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अब उन लोगों का जो दोस्तों वीडियोस वगैरह ज़्यादा रखते हैं, मोबाइल में स्टोरेज ज़्यादा चाहिए उनको, तो आप ले सकते हैं Realme C25। ये तीसरे नंबर पर फ़ोन आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें Helio का G870 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ शुरू होता है। 10,400 रुपये इसकी प्राइस है। 400 रुपये आपको बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मतलब 500 रुपये समझ लीजिए, 10,499 रुपये। बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो 13+2+2 का दोस्तों रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, USB Type-C और फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है। अगर आप स्टोरेज के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो आप स्टोरेज के लिए दोस्तों ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 में ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होगा, तो आप इसे ले सकते हैं दोस्तों, स्टोरेज के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर पे कौन फोन है, तो दोस्तों आपका शुरू होता है गेमिंग कैटेगरी। अगर गेमिंग के लिए आप फोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये 2 नंबर वाला फोन आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी से ये शुरू होता है दोस्तों। बात करते हैं Poco M2, 10,499 रुपये इसकी प्राइस है दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है Helio G80 का दोस्तों। इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन 6GB रैम के वजह से गेमिंग काफ़ी ज़बरदस्त इसमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसका भी सेम है दोस्तों। इसमें भी फुल HD का डिस्प्ले दिया गया है, जैसे दोस्तों Redmi 9 Prime में दिया गया था वैसे इसमें भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैमरा जो है दोस्तों क्वाड कैमरा आता है, 13+8
60+5+2 megapixel का 8 megapixel का सेल्फी कैमरा, 5020mAh की बैटरी, USB टाइप सी और फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आता है। तो दोस्तों गेमिंग के लिए अगर आप फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों नंबर वन पे जो फोन है वो भी गेमिंग के लिए काफी जबरदस्त है, क्योंकि वहां पर 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10S की। तो दोस्तों ये जो फोन है आपको इसमें मिलता है हीलियो G85 का दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिलता है, लगभग 2 लाख का दोस्तों इसमें एंटूडू बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो यहाँ पर कैमरा जो मिलता है 48 megapixel 2 megapixel, यहाँ पर दोस्तों कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोस्तों 8 megapixel का सेल्फी कैमरा, 6000mAh की बैटरी, USB टाइप से और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ गेमिंग के लिए खास इसलिए कि दोस्तों 6.5 इंच का दोस्तों इसमें 90Hz का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी से शुरू होता है, और इसकी भी जो प्राइस है दोस्तों 9999 रुपये में ये वन ऑफ द बेस्ट होगा 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी का आता है। तो दोस्तों यही 5 फोन हुए जो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट है जो आप ले सकते हैं अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर पे जो मैंने बताया दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10S या दोस्तों पोको M2, ये 2 फोन आप ले सकते हैं, 2 में से कोई भी आप ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए तो मोटो G10 आप ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको अगर ऑलराउंडर फोन चाहिए तो रेडमी 9 प्राइम वगैरह ले सकते हैं, तो इस तरह का कुछ हो, और दोस्तों ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो रियलमी C25 आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यही 5 फोन हुए, उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।